नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है उन लोगों का दिल से शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन भी क्लिक करना है, यानी जो भी नई लेटेस्ट वीडियो होगी आपके मोबाइल में पहले आ जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लाउज की कटिंग, यानी जो कटोरी ब्लाउज हमारा होता है दोस्तों वो खिंचाव क्यों होता है। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी, कमेंट भी आई थी कि हम जब ब्लाउज सिलते हैं तो हमारी कटोरी खिंचाव लगती है, जैसे चे वैसे चेस्ट में बैठते नहीं। तो प्लीज़ आखिरी तक वीडियो देखना है, और वीडियो पसंद आने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको क्या डाउट्स है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो अभी यहाँ पे आपने इसकी कटिंग तो देख ली है दोस्तों, तो हम लोग स्टिचिंग बता देते हैं। अभी ये सारे पार्ट को हम थोड़े साइड कर लेना है। अभी यहाँ पे हमने कटोरी का पहला पार्ट ले लिया है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम लोग स्टिचिंग करते हैं तो हमें अच्छा लगता है हमने परफेक्ट स्टिचिंग कर ली, और जब स्टिचिंग के बाद ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमें प्रॉब्लम, हम जो पहनते हैं ब्लाउज तो हमें प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ होगी, तो वो गड़बड़ हमें समझ में नहीं आती। तो ये तरीका हमें आपको बताओगी, तो ये तरीका बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको इजी तरीके से आप घर पे ब्लाउज सिल पाओगे। कभी कभी क्या होता है, हम ब्लाउज पहनते हैं ये वाला जो पार्ट होता है खिंचा होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, प्लीज आखिरी तक वीडियो देखना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसे रख लिया हुआ है ये वाला पार्ट। तो हमें कभी भी कटोरी सिलती, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ दोस्तों, मेरी एक ही मेथड होती है, अलग अलग मेथड नहीं होती है। तो यहाँ से सिलना है हमें, ऊपर से सिलना नहीं है। बहुत सारे क्या कहते हैं ऊपर से सिल लेते हैं, तो क्या होता है ये वाला पार्ट ज़्यादा हो जाता है। फिर ये वाला पार्ट ज़्यादा होने से क्या होता है, हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं, फिर हमारी जो कटोरी बैठती नहीं है, और फिर यहाँ से हमें गले में से कहते हैं खिंचाव लगता है। तो ऐसा हमें करना नहीं है। तो कभी भी कटोरी ज्वाइंट करते समय हमें नीचे से करना है। अभी आप देख सकते हो, अभी मैंने कटोरी हम लोग नीचे से स्टिच करेंगे इसी तरह से। आप नए लोग होगे सिलने के लिए तो मैं आपको बताना चाहूँगी, बड़े टाके पे हमने ब्लाउज सिलना है, यानी छोटा टाका लेना नहीं। क्या पे गलती हो जाती है तो फिर सिलाई खोलने में बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर जो ब्लाउज की जो कपड़े की फिनिशिंग वो निकल जाती है। तो कभी भी मोटे टाके पे हमने सिलाई करनी, और अच्छे आप सिलाई करते होगे तो कोई बात नहीं, अच्छी तरह से नॉर्मल जो आप लेते हो 3 नंबर की सिलाई पे आपने सिलाई करनी है। अभी आप देख रहे हो मैंने कपड़ा थोड़ा भी यहाँ पे खींचा नहीं है, जैसे वैसे ही मैं लगा रही हूँ दोस्तों। कभी कभार ऊपर थोड़ा कम ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, वहाँ पे हम लोग नेक पे कट करते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी थोड़ा मेरा ज़्यादा आ गया, कोई बात नहीं, हम और मेरी कटिंग में मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा है। आप जो कटिंग मेरे तरीके से करते जाओगे ना, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा है, बाद में हम लोग स्टिच करने में कटिंग करने में हमें दिक्कत नहीं होती है। कपड़ा कम नहीं गिनना चाहिए, ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डबल सिलाई मार ली है। अभी आपको मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी यहाँ पे जो रहती ना, अभी फिनिशिंग हमें करनी है, तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे इसको यहाँ तरफ से इसको झुका लेना है, और नाखून से इसको ऐसे स्प्रेड कर लेना है एकदम हाथों से। देख रहे हो ये हमारी फिनिशिंग बननी रहती है। अभी आपको मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वाला पार्ट ज़्यादा हो गया, अभी ऐसे यहाँ पे ज़्यादा कभी पार्ट हो जाता है ना, तो क्या होती है कटोरी खिंचाव लग जाती है, और यहाँ पे खिंचाव लग जाता है। तो ये वाला पार्ट ज़्यादा होने से डरने का नहीं, क्योंकि हम लोग बाद में 2 और 2.5 का जो करते हैं वहाँ पे ये कट हो जाता है। तो ये ब्लाउज की जो हमारी जो परफेक्ट आ जाती है, ब्लाउज पहनते हो तो ये परफेक्ट आ जाती है हमारी कटोरी इसी तरह से, देख रहे हो इसे। तो ऐसा ही पार्ट हम दूसरा भी सिल लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने दोनों पार्ट सिल लिया हुआ है, अभी मैं एक पार्ट को थोड़ा साइड कर लेती हूँ, देख रहे हो। अभी यहाँ पे हम लोग टक्स पॉइंट लगाना है। बहुत सारे क्या करते हैं, पहले कटोरी जब हम लोग सिलते हैं ना, तो पहले कटोरी को टक्स लगा लेते, कटोरी टक्स लगाने के बाद ये ज्वाइंट करते, ये गलत है, वैसा हमें करना नहीं। कभी आप यहाँ पे पहले टक्स लगा लोगे बाद में ज्वाइंट करोगे, तो इसकी जो कटोरी की जो नोक आती है फिर वो नोक दिखती है, फिर अजीब सा लगता है हमें पहनने में, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो हमें पहले क्या करना है, ये वाला पार्ट हमें पहले सिल लेना है, बाद में हमें कटोरी का जो टक्स लगाना है। अभी यहाँ पे हमें कटोरी का हम लोग टक्स लगा लेते हैं इसी तरह से, देख रहे हो इसी तरह से परफेक्ट हमें देख के लगाना है टक्स। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, देख रहे हो इसी तरह से। तो यहाँ पे हम लोग सिलाई करते, थोड़ा है ना लिसा हुआ कपड़ा है ना, इसलिए वो हाथों से जरा सटक रहा है। तो यहाँ पे हमें इसे लगाना है टक्स, इसको थोड़ा आगे पीछे करना है, जब हम फिर टक्स खुलती नहीं है आगे, हल्का सा करना आगे पीछे, देख रहे हो हल्का सा। अभी मैं आपको खोल के बता देती हूँ, देख रहे हो अभी ये इतना ज़्यादा नोक नहीं दिख रहा है, परफेक्ट आ गया है। जब पहनेंगे तो ये परफेक्ट आ जाता है, ये नोक दिखता ही नहीं, तो बहुत सारा एकदम टोक दिखता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो एकदम ये, अभी और एक मैं लेके बता देती हूँ, इसको थोड़ा मैं साइड कर लेती हूँ,
और टक्स लगाते बता देती हूँ। बहुत सारे जन मुझे बता रहे थे कि हम जो ब्लाउज पहन सिलते हैं तो हमारा टक्स अच्छा नहीं दिखता है, टोक लगता है, तो ये टोक ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा कर लेंगे, देखो हल्का सा, देख रहे हो ये हमारी होगी कटोरी, परफेक्ट एकदम गोल और अच्छी बैठ जाती है कटोरी, मैं आपको लेके बता देती हूँ। अभी यहाँ पे हमें क्या करना, हल्का सा कट करना, हल्का सा ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस, होगा तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है, नहीं तो आपने गीता जी ने कर लिया तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं। हमें शेप के लिए मैं करती हूँ, जो अभी वो मैं क्रॉस पट्टी लगाऊंगी ना इसका शेप अच्छा आना चाहिए, शेप अच्छा आने से क्या होता है फिटिंग भी परफेक्ट आ जाती है, नहीं तो फिटिंग में गड़बड़ एकदम स्ट्रेट होता है तो अजीब सा लगता है, फिटिंग ही नहीं आती ना, फिर पहनने में नहीं अच्छा लगता है ब्लाउज। अभी यहाँ पे मैं इसको ऐसे लगा लेना है, देख लो हल्के से क्रॉस में, तो स्टिच कर लेना है इसको। और हाँ दोस्तों, स्टिचिंग करते समय कपड़ा हमें थोड़ा भी खींचना है, आपने इस बात का ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कपड़ा थोड़ा भी नहीं खींच रही हूँ, जैसे वैसे ही लगा के इससे सिलाई कर रही हूँ, सेम टू सेम इसी तरह से। तुरंत इसकी डबल सिलाई भी मार लेनी है हमें, क्योंकि मजबूती बनी रहती है। तो यहाँ पे मैंने डबल सिलाई मैंने मार ली है। अभी मैं आपको लेके बता देती हूँ, इसको ऐसे कर लेती हूँ, अभी आप खुद ही समझ जाओगे। हमने हल्का सा ही कट किया, कट करने से हमारा जो कटोरी का शेप देख रहे हो कितना परफेक्ट आ गया है ना, आपको दिख रहा है, ज़्यादा नोक भी नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, एकदम परफेक्ट जैसे हमें चाहिए वैसे रिजल्ट आ गया दोस्तों। हाँ दोस्तों, अभी दूसरा पार्ट भी हम सेम टू सेम ऐसे ही सिल लेते हैं। अभी आप देख सकते हो परफेक्ट हमारी कटोरी हमने ज्वाइंट कर ली है, क्रॉस पट्टी भी हमारी कितनी शेप में आ गई है। बहुत जन हमें बोलता थे कि आपकी ऐसी क्रॉस पट्टी एकदम लाइन सी आती है, यानी एकदम राउंड में आती है, हमारी आती नहीं। तो प्लीज़ आप कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा है दोस्तों। देख रहे हो इसी तरह से। तो अभी हम यहाँ पे इसको हुक पट्टी आई पट्टी बता देते, जो बहुत जन को आता नहीं आई पट्टी और हुक पट्टी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो डाया हाथ होता है उसमें हमें आया हुक पट्टी लगानी है। यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया है 2.5 इंच का, देख रहे हो, इसको मैं बीच में से पहले कट कर लेती हूँ, यानी दोनों तरफ हमारा कपड़ा हो जाएगा रेडी। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा और एक चैनल ही आपको सभी को मालूम है, गीता कुकिंग वर्ल्ड, प्लीज आपने वो भी चैनल देखना है, बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो डाले कुकिंग के मार्फत, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसे स्टिच करना है, देखो मैं आपको एक बार और बताऊंगी, जो अस्तर का पार्ट है हमें इसको ऊपर रखना है, जहाँ पे हमारी हुक लगती है ना वहाँ पे, और जहाँ पे जो ये लाइन दिख रही है अभी वो शेप, यहाँ पे हमें थोड़ा हल्का सा प्लेट लेनी है अस्तर वाली को, जहाँ पे मैंने अस्तर लिया उसको प्लेट लेना है, ये वाले को सिर्फ अस्तर लिया है वो उसको ही हमें प्लेट लेनी, इससे क्या होता है फिटिंग अच्छी आती है। छोटी छोटी बात आपने प्लीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हर कौन सा भी आप ब्लाउज सिलते होगे ना, कौन सा भी, तो ये वाली प्लेट हमें कंपलसरी लेनी ही है। अभी देखो यहाँ पे मैंने हल्की सी प्लेट ले ली, अभी हमने क्या करना है इसको लव सिलाई मारनी है, और पहले नाखून से ऐसे कर लेना है, यानी फिनिशिंग अच्छी बैठ जाती है दोस्तों। आप नए होगे तो कॉटन के कपड़े पे ज़्यादा से ज़्यादा सिलना है, और अच्छे सिलते होगे तो डायरेक्ट कपड़े पर भी कट मतलब अच्छे सिल सकते हो भारी कपड़े पर। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी ये वाला पार्ट हमने ऐसे लेना है, अंदर से इसको कवर कर लेना है। मैं और एक बार बता, देखो ये कपड़ा ऐसे रखना है, इसको हमें ऐसे कवर रखना है, ये वाला हमारा होता है कवर पार्ट। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो लोग हम लोग बाद में कट कर लेते हैं, देख रहे हो इसी तरह से। और ब्लाउज सिलना कुछ हार्ड नहीं दोस्तों, सिंपल है बहुत, यानी बहुत सिंपल है, सिर्फ उसके लिए हमें क्या लगती है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लगती है। आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अभी आप मैं आपको बताना चाहूँगी, देख रहे हो ये कवर सिला हमारा कितना परफेक्ट आ गया। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम लोग यहाँ से कट करेंगे इसी तरह से, है ना, एकदम फिनिशिंग के साथ। मुझे लगता है वीडियो तो आपको बहुत ही समझ में आता होगा और बहुत ही सिंपल तरीका है। अभी हम लोग बनाएंगे आई पट्टी, इसको मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ। अभी कभी कभी स्ट्रेट नहीं लगता है तो हल्का सा हमें कट भी करना है, यानी थोड़ा सा छटाई करनी है, देख लो हल्की सी करनी, लगा तो करना, नहीं तो करना नहीं। अभी मैंने किया तो आपको लगा हमें भी कर, लगा तो अभी मुझे अभी यहाँ पे स्ट्रेट लग रहा है इसलिए मैंने किया, नहीं लगता तो फिर हम लोग करते, अभी लग रहा है तो मैंने कर लिया ना इसीलिए। अभी यहाँ पे मैंने जो ब्लाउज पीस का जो मेन कपड़ा लिया और ये अस्तर लिया, अभी यहाँ पे हमने ये वाला लेना है, अस्तर नीचे रखना है और ब्लाउज पीस जो मेन इसको ऊपर रखना है, और ये वाला पार्ट हमें इसके ऊपर रखना है कटोरी वाला पार्ट। अभी इसको हमें सिर्फ यानी सिर्फ स्ट्रेट लाइन देनी है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हमें प्लेट नहीं लेनी है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन देनी है, देख रहे हो। और कपड़ा थोड़ा भी हमें खींचना नहीं है दोस्तों,
इसी तरह से। अब यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया, अब ये वाला जो पार्ट होता है इसको हमें ऐसे कर लेना है, ये वाला जो सिलाई का पार्ट हमें इसको इधर नहीं रखना है, ये साइड यानी ये कवर हो जाता है। अभी एक इंच जितना हमें आगे निकालना है, यहाँ पे हमने हुक आइल करते ना अटकाने के लिए वो डालना है। अभी यहाँ पे जो हमारी जो सिलाई दिखती है इसके ऊपर अटैच करनी है, देख रहे हो सिलाई के ऊपर इसको अटैच करके हमें इसको कोने में सिलाई मारते जाना है, कोने कोने में एकदम स्ट्रेट कोने कोने में सिलाई मार लेना है। और एक सिलाई मारूंगी यानी मजबूती बनी रहेगी, और जहाँ पे मैं सिलाई मारती हूँ ये वाली डबल, ऐसे तो कोई मारता नहीं डबल, तो हम लोग क्यों मारते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे आई पट्टी हो जाती है तो यहाँ पे एकदम लेवल मिल जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे डबल सिलाई मार लेती हूँ। अभी मैं आपको ये देख रहा हूँ, अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है, बहुत सारा एक्स्ट्रा, तो अभी वो कैसे कट किया जाता है वो भी हम बताएंगे आपको। अभी यहाँ पे मैंने ब्लाउज लिया है, अभी जो ब्लाउज का नाप है उतना ही हमें लेना है। अभी यहाँ पे ये ब्लाउज लेना, यहाँ से जहाँ पे क्रॉस पट्टी के ऊपर से यहाँ पे लेना, ये 3.5 है और ये कितना है, ये भी 3.5 है, तो दोनों 3.5 3.5 है। ओके, जो नाप होगा वही हमें लेना है, ये वाला जो नाप है वही लेना है, किसी को ज़्यादा लगता है किसी को कम लगता है तो हमें बढ़ा लेना है। अभी 3.5 है तो यहाँ पे बराबर है 3.5, अभी यहाँ पे 3.5 तो यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं, यहाँ पे भी लेना पड़ता है पर यहाँ पे बराबर हो गया इसलिए मैंने सेम टू सेम ले लिया। अभी यहाँ पे 3.5 का हम यहाँ पे मैं 4 ले लेती हूँ, किसी को गला बड़ा चाहिए किसी को छोटा चाहिए वो अपनी चॉइस है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे जहाँ पे हुक लगता है वहाँ पे हमें 2 इंच लेना है, हुक लगता है वहाँ पे 2 इंच ध्यान रखना है। अभी जो भी मैं आपको बताई ये एक्स्ट्रा कपड़ा, अभी इससे ये कट होगा, अभी यहाँ पे हमें इसको ऐसे करके इसको स्ट्रेट लाइन देनी है, देख रहे हो इसी तरह से। अभी यहाँ पे इसको हल्के से हमें राउंड देना है, देख रहे हो इसी तरह से, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें इसे हल्के से कट कर लेना है। अभी यहाँ पे तो कपड़ा ज़्यादा दिखा नहीं तो भी लग रहा है हल्का हल्का, तो कोई बात नहीं, इसको हमें ऐसे राउंड कट में हम इसको राउंड शेप दे देते हैं, कम नहीं गिरना चाहिए, ये मेरा तरीका है दोस्तों, हल्का सा यहाँ पे कट कर लेते हैं, इससे क्या होता है हमारी शोल्डर गिरती नहीं है, देख रहे हो। अभी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो भी हम लोग कट कर लेते हैं स्ट्रेट। अभी दूसरा पार्ट हम लेते हैं, अभी दूसरा पार्ट को हमें अभी गिनना नहीं, खाली ये वाला जो हमें गिना वाला पार्ट, अभी जो क्रॉस पट्टी पे क्रॉस पट्टी लगा लेनी इसी तरह से, और हमें यहाँ पे जो भी निशानी है वहाँ पे हमें इसे कट कर लेना है, देख रहे हो इसी तरह से सेम टू सेम। अभी ज़्यादा है ना, अभी वहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे हम लोग 2.5 ले लेते हैं, 2.5, और एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी हमें इसे कट कर लेना है। अभी आपको पहले ही कट किया तो अच्छा नहीं दोस्तों, ये मेरा तरीका, ये तरीका करने से आपका ब्लाउज परफेक्ट आ जाएगा। अभी हल्का सा यहाँ पे राउंड दे देते हैं हल्का सा इसी तरह से। अभी यहाँ पे इसको जितना हमें एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे राउंड देके, देख रहे हो इसी तरह से एकदम परफेक्ट कट करना है। और इससे क्या है, कैंची अच्छी चाहिए, कैंची आपकी अच्छी होगी ना तो कटिंग करने में भी आपको मजा आएगी। अभी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे भी हमें इसे कट कर लेना है। अभी मैं आपको लेके बता देती हूँ ये कितना परफेक्ट हमारा आ गया है, लेके बता देती हूँ, देख रहे हो है ना। अभी हम गले की पाइपिंग लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारी ग्रीन साड़ी, इसलिए यहाँ पे मैंने ग्रीन कपड़ा लिया है पाइपिंग के लिए। अभी जो स्केल का जो नाप होता है वही नाप से हमारी जो पाइपिंग परफेक्ट आ जाती है दोस्तों, मैं यही नाप लेती हूँ। गिनने गए तो यहाँ पे हमें 1 इंच या 1.25 इंच जितनी पाइप पट्टी कट करनी पड़ती है, तो ये परफेक्ट है स्केल ले लेने का, डायरेक्ट ऐसे करके कट कर लेने का। हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम है हमारी गीता लीस टेलर की कटिंग भी है, जिन लोगों को भी लेना होगा तो अभी जो वीडियो देखते हैं उसमें हमें लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का नाम है लैपोज, लैपोज पे आप क्लिक करोगे तो आप मेरी वेबसाइट पर जाओगे और वहाँ पे ये जो कटिंग में हम लोग बेच रहे हैं वो आपको मिल जाएगी, सस्ती भी है और सबसे अच्छी भी है। तो यहाँ पे इसको क्रॉस में कट करना है, स्ट्रेट में कट नहीं करना है पाइपिंग। स्ट्रेट में कट करने से क्या होता है दोस्तों, हमारी पाइपिंग उल्टी गिर जाती है, यानी एकदम ऐसी खड़ी हो जाती, तो हमें वैसा नहीं करना है। अभी यहाँ पे मैंने 2 पट्टी कट कर ली दोनों साइड की, अभी इसको मैं खोल देती हूँ, देख रहो इसी तरह से ये वाला पार्ट यहाँ पे रख लेती हूँ। अभी यहाँ पे जो क्रॉस दिख रहा है मैं आपको बताऊंगी, ये वाला ये ऐसे क्रॉस, तो इसको हमें अपोजिट करना है इसी तरह से, देख रहे हो इसी तरह से अपोजिट से ऐसे सिलाई मारनी है अपोजिट, तो ये हमारी सिलाई अच्छी आ जाती है। दोनों तरफ सेम ऐसे ही मारना है हमें, देख रहे हो एकदम, मैं आपको लेके बता देती हूँ और एक बार। बहुत जनों की क्या होती है पाइपिंग लगाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पाइपिंग बहुत जनों के आती ही नहीं, पर ये तरीके से आप सिलोगे दोस्तों सही कहती हूँ मैं, आपको परफेक्ट आ ही जाएगा। अभी मैं आपको लेके बताती हूँ, देख रहे हो
स्टेट आ गए। अभी ये थोड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको हल्के से कट कर लेते हैं, ऐसे भी तो सिलाई में ही जाने वाला है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना, हल्का सा इसको फोल्ड करना, हल्का सा ही करना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा। इसको हमें ऐसे सिलाई मार लेनी है हल्के हल्के हाथों से, दोनों तरफ सेम टू सेम मार लेते हैं दोस्तों सिलाई। अभी आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे मैंने नेक भी कट कर लिया हुआ है। अभी यहाँ पे हमने पाइपिंग लेनी है जो मैंने कट की और सिलाई मारी, देख रहे हो। अभी इसको हमें क्या करना है, इसको ऐसे लेके इसको हल्के से यहाँ पे फोल्ड करना है, यानी कवर हो जाता है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी हमें कपड़ा खींचना नहीं, अभी मेन हम लोग पाइपिंग लगा रहे हैं, आगे पीछे थोड़ा कर लेते हैं मजबूती के लिए। कपड़ा थोड़ा भी खींचना है जैसे वैसे, इसको बिठाते बिठाते हमें इसको सिलाई मारनी, थोड़ा टाइम लगने दो पर संभाल के सिलाई मारो इसी तरह से, देख रहे हो। अभी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम लोग यहाँ से कट कर लेना है। अभी यहाँ पे मैंने देखो कितना सिलाई मारे, आपने देख रहे हो आपके साथ ही है। अभी यहाँ पे हमें हल्के हल्के से कट लगाने हैं इसी तरह से। हाँ दोस्तों, आपको कौन से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करना है, हमें बताना है, तो वो टाइप के हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। अभी एक्स्ट्रा धागा दोरा भी कट कर लेना है। अभी यहाँ पे हमने लेना है पाइपिंग दोरा, इसे ये भी आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे, पाइपिंग दोरा। बहुत सारे उनको पाइपिंग दोरा भी मालूम नहीं पड़ता है कौन सा यूज़ करना है क्या नहीं। आप मेरे वेबसाइट पर जाओगे आपको तो सभी मालूम पड़ जाएगा ब्लाउज के लिए कौन सा दोरा यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया, ऐसे वीडियो भी अपलोड किया है दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत सारे दिए। तो यहाँ पे मैंने देखो, अभी जहाँ पे हमारा जो ग्रीन सिलाई, सॉरी रेड सिलाई जो दिख रही है हमारी, तो यहाँ पे हमें लगाना है दोरा, इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और इससे ऊपर से हमें इसे कवर कर लेना है इसी तरह से। तो इसको मैंने कवर कर लिया हुआ है, अभी यहाँ पे इसको ये करना है फोल्ड। अभी ये हमारी सिलाई है मारेंगे। यहाँ पे जो मैंने हमें हर वीडियो में आपको बताया, मैं बूट चेंज करती हूँ, बहुत सारे चेंज करते हैं, उनको आदत होती है, तो मुझे इससे ही जम जाता है डबल काम, वो निकालो मशीन फिर बूट फिर वापस बिठाओ, बहुत झंझट मारी हो जाती, तो इससे ही अच्छी तरह से हो जाती है हमारी पाइपिंग। तो यहाँ पे मैंने हल्के हल्के हाथों से कोने कोने में यहाँ पे हमने सिलाई मारनी है हल्के हल्के हाथों से, और खांचे में मारनी है दोस्तों, देख रहे हो हमारी पाइपिंग एकदम परफेक्ट आ जाती है, एक जैसी आती है, ये देख रहे हो आपके सामने ही है रिजल्ट, देख रहे हो पाइपिंग कितनी एक जैसे आ गई है ना। जो एक्स्ट्रा धागा दोरा वो भी कट कर लेना है, और एक बार मैं लेके बता देती हूँ, सेकेंड पाइपिंग भी लगा देती हूँ, यानी और आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी जैसे वैसे लगाते जाना है, अभी एक पार्ट तो ऐसे यहाँ से लिया था, अभी दूसरा पार्ट हमें ऊपर से सिलाई करनी है, और कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं है। आप इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दोगे तो हमें, आप लाइक दे तो दोस्तों तो हमें समझ में आता है कि हमारे वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहे हैं। रहा दोस्तों जिन लोगों को ज़रूरत है वीडियो देखनी, तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिन लोगों को चाहत होती ना ब्लाउज सिलने की वो भी सीख पाएगी हमारे वीडियो के द्वारा। अभी यहाँ पे थोड़ा कट कर लेते हैं हम इसी तरह से, इसको हमें से फोल्ड कर लेना है और इसको आगे पीछे कर लेते हैं, देख रहे हो। अभी यहाँ पे हल्के से नॉचेस लगाना है, नॉचेस लगाने का कारण है कि जब हम दोरा लगाते हैं तो हमारी पाइपिंग उल्टी गिरती नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने नॉचेस लगाना है। अभी यहाँ पे हमने पाइपिंग दोरा ले लेते हैं इसी तरह से, इसको और ऐसे कर लेते हैं कवर, और कोने कोने में हमें सिलाई मारते जाना है कोने कोने में। यदि आपको पाइपिंग की आदत नहीं होगी यानी प्रैक्टिस, तो आपने बड़ी सिलाई लेनी है, बड़ी सिलाई पे आपने करनी है। कभी आपकी पाइपिंग खराब हो गई तो आप इजीली दोरा निकाल सकते हो, देख रहे हो इसी तरह से हमें बिठानी है पाइपिंग का दोरा, कवर करना है। आपको समझ में आ जाएगा अभी ये पाइपिंग का दोरा है, तो वहाँ पर हमें सिलाई मारते जाना है धीरे धीरे करके, तो क्यों ना फिर सिलाई मारते जाए। देखा ना दोस्तों, मैंने आगे का पार्ट आपको एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है। जो हम लोग जब अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा कफ डाला है, तो यहाँ से हम लोग जब ब्लाउज पहनेंगे तो आपको खुद को आइडिया आ जाएगी, यहाँ पे नोक दिखेगा नहीं, देख रहे हो इसी तरह से, ओके। और ये भी परफेक्ट आ गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताओगी इसकी फिटिंग बताओगी, और पैटर्न कैसे बनाया जाता वो भी बताओगी दोस्तों, तो प्लीज आपने आखिरी तक वीडियो देखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द से जल्द अपलोड करने वाली हूँ दोस्तों, एकदम आपके साथ ही इस तरीके से आप ब्लाउज सिलोगे, सही बोलती हूँ, आपका ब्लाउज भी परफेक्ट आ जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बता देना है, वैसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहना है। जैसे गीता लेडीज टेलर को आप देखते हो, वैसे गीता कुकिंग वर्ल्ड का भी चैनल आपने देखना है दोस्तों। धन्यवाद।